नमस्ते, आज इस वीडियो में बात होगी आयात निर्यात के इतिहास के बारे में और जानिए कैसे मसालों ने भारत और संसार के बहुत सारे अन्य देशों को यूरोपीय देशों का गुलाम बना दिया और गलती से फौज हो गई अमेरिका की कोलंबस के द्वारा। बात है सन 1453 की, जब टर्की ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे अपना अधिकार जमा लिया और यूरोप में मसाले की किल्लत चालू हुई, क्योंकि अरब के व्यापारी हिंदुस्तान से मसाला ले जाकर के यूरोपियन को सप्लाई करते थे। इसकी कमी को दूर करने के लिए भारत की खोज करने में यूरोपियन देशों के राजा और शासकों ने अपने संसाधन तथा यात्रियों को भारत की खोज के लिए भेजा, जिसमें पहला नाम आता है वास्को डी गामा का, जो सन 1498 में भारत कालीकट पहुंचा और यहां से मसालों को लेकर के यूरोप गया। और इस तरह से यूरोप के देशों में भगदड़ मची कि कौन पहले कहां तक पहुंच सकता है, और वे ट्रेडर कम एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं सूरज शाह फ्रॉम 3i प्रोफेशनल सर्विसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसल्टेंट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर। चलिए जानते हैं इसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पुराने जमाने और आज जो आयात निर्यात हो रहे हैं उसमें अंतर क्या है। बहुत डीप मीनिंग क्वेश्चन है सत्येंद्र जी ये, बट ये चीज अच्छी है कि आप पास्ट को देखे फ्यूचर का प्लान कर सकते हैं। अंतर की जो अगर बात करें तो फेनोमेनल डिफरेंस है। पहले हुआ करता था कि ट्रेड होता था, फिर एक कंट्री दूसरी कंट्री को कॉन्कर करती थी। अब हालात ये है कि एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप है, तो वो एक दूसरे पे अटैक करना बेस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड ही करे। इट वुड बी द जस्ट लास्ट ऑप्शन, इन द पास्ट इट वॉज द फर्स्ट ऑप्शन। यू हैव गुड एग्जाम्पल चाइना, इंडिया एंड देर आर मैनी अदर कंट्रीज टू इट। इन अ सिंपल टर्म इफ आई वुड लाइक टू टेल यू इज ट्रेड इज न्यू मीन ऑफ पीस, इट इज अ न्यू मीनिंग ऑफ पीस। ने देखा होगा वर्ल्ड पीस रेगुलेटेड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एज आई सेड ट्रेड इज मीन ऑफ पीस। हम लोग इतिहास में पढ़े हैं कि भारत संसार में जो एक्सपोर्ट होता था उसमें आधा हिस्सा भारत का होता था, आधे में बाकी देश होते थे, लेकिन आज निर्यात में भारत 11वें से 15वें स्थान पे है, इसका कारण क्या? ये बहुत पेचीदा क्वेश्चन है, देर कैन नॉट बी अ सिंगल रीजन टू इट, बट मैं आपको बताऊंगा ज़्यादा पास्ट में नहीं जाते हुए। एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल दे हैड मेड मैनी ड्रेकोनियन रूल्स सो दैट इंडिया के जो व्यापारी थे, इंडिया के जो एक्सपोर्टर थे, इंडिया के जो शिपिंग लाइन बिजनेसमैन थे, उनको यहाँ पे सप्रेस करा गया, उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया। ये सिस्टम 200 साल तक चली और उसके बाद भारत आज़ाद हुआ, तब वो ऐसी कंडीशन में था कि वो अपने आप को भी संभाल ले तो बहुत अच्छा होता था। टर्निंग पॉइंट आया 1992 में, जब इंडिया में इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ओपन हुई, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन विथ वर्ल्ड इंटीग्रेशन हुआ, तब जाके कहीं पे एक पहला स्टेप इंडिया हैज स्टार्टेड टू सेलिंग गुड्स अब्रॉड इन प्रोफेशनल एंड फॉर्मल वे। अभी भी अगर आप देखें जापान चाइना ये कंट्री उस टाइम पे एकदम स्क्रैच से उन्होंने चालू किया था, फिर भी उनके डेडिकेशन विद गुड मैनेजमेंट की वजह से दे हैव मेड गुड प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। जापान के तो खुद के नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, इट इज डिपेंड ऑन सम अदर कंट्रीज। हाँ, लोहा हमारे यहाँ से लेके जाता है और फिर उसी आयरन का वो बहुत सारी चीज़ों को बना करके, जिसमें कारें हैं, इलेक्ट्रिक गुड्स है, सारा फिर वापस बाकी देशों को और इंडिया में भी निर्यात करता है। तो यानी कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब जो अवेयरनेस होना चाहिए वो अभी भी हमारे यहाँ उसकी कमी है। यस वी हैव एक्चुअली देर इज अ गैप ऑफ नॉलेज। बाकी इंडिया के बिजनेसमैन बहुत ही पावरफुल है, दे आर वेरी डेयरफुल,
बट कहीं ना कहीं पे एक राइट डायरेक्शन, स्किल, पीपल, नॉलेज, यही अपनी बॉटलनेक बने हुए हैं। तीसरा सवाल है कि आयात निर्यात के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है? आयात निर्यात के फायदे जितने गिनाओ उतने कम हैं, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द कोर मटेरियल ऑफ ह्यूमन लाइफ इवैल्यूएशन। कोई कंट्री, कोई भी कंट्री 100% सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है रिसोर्स के मामले में। रिसोर्स ले लो, टेक्नोलॉजी ले लो, अच्छी चीज, हर कोई अच्छी चीज, एवरीबॉडी हैज राइट टू अडॉप्ट द गुड थिंग, एंड दैट इज हाउ ह्यूमन लाइफ इज गेटिंग इवॉल्व। जो लाइफ स्पैन एक टाइम पे 45 ईयर का हुआ करता था एवरेज इंडियन का, आज वो कहीं ना कहीं पे 70 ईयर है। ह्यूमन लाइफ इवॉल्व हुई, यानी कि संस्कृति का आदान प्रदान भी हुआ है, लोगों के जीवन स्तर भी बढ़े हैं और लोग एक दूसरे से बहुत कुछ नई चीजों को अडॉप्ट किए हैं। एग्जैक्टली, एंड दिस इज द कोर ऑफ द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस क्यों करना चाहिए? फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री, इट इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट रीजन। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रीजन, बहुत सारे कारण हैं आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहिए के, पर कुछ ही मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। स्टार्टिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इज गोल ऑफ मोर देन थाउजेंड्स ऑफ मर्चेंट। हजारों लोगों का एक गोल होता है, भले छोटे से छोटा बिजनेसमैन हो, उसको लगता है कि कभी मैं करूंगा, तो ये एक ड्रीम है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज अ वेरी प्रॉस्पेरस एंड लुक्रेटिव बिजनेस। एक और इंपॉर्टेंट चीज, चाइना 2006 में जहाँ पे था वहाँ पे आज इंडिया खड़ा है, एंड कमिंग 15 ईयर इज मोस्ट प्रॉमिसिंग फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर। कोई भी नेशन 100% सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहता, तो ये चीज़ कभी भी ना खत्म होने वाला बिजनेस है, ये चलता ही रहेगा। तो वन शुड बी इन अ सच अ सस्टेनेबल बिजनेस कि जो चलता रहे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या है, थोड़ा इजी वे में आप बताएं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों विपरीत है एक दूसरे से, मतलब कोई एक्सपोर्ट करता है तो इंपोर्ट करता है, तो एक ही लाइन में प्रोसेस बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, पर फिर भी मैं इस पूरी प्रोसेस को तीन स्टेज में बताऊंगा। पहला होता है पोस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जहाँ पे आप कंपनी फॉर्मेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट, नेसेसरी लाइसेंस लाइक IEC कोड, RCMC सर्टिफिकेट, कुछ गवर्नमेंट परमिशन इफ इट इज रिक्वायर्ड, जो आपको ड्यूटी में बेनिफिट दिला सके। लेकिन ये सब इजीली हो सकता होगा मुझे लगता है। इट रिक्वायर्ड सम स्किल, इट रिक्वायर्ड, बट हो जाता है, नथिंग इज डिफिकल्ट। फिर सेकेंड स्टेज आता है जो होता है प्री इम्पोर्ट और पोस्ट इम्पोर्ट के बीच वाला, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, इंश्योरेंस पार्ट, कम्युनिकेशन पार्ट विथ योर सप्लायर और बायर, ये एक रोल प्ले करता है। और फिर स्टेज आता है पोस्ट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, जहाँ पे आपको जो जो भी कंप्लायंस है उसको क्लोज करना रहता है। जैसे आपने कोई ड्यूटी बेनिफिट लिया हो तो आपको वो क्लोज करना है विद DGFT, आपने कोई बैंक में से मतलब मनी ट्रांसफर हुआ है तो आपको बैंक कंप्लायंस भी क्लोज वहाँ पे करने होते हैं। कैसे करना है, देर आर सिस्टमेटिक स्टेप फॉर दैट। वन बाय वन आपको कैसे बिजनेस सेटअप करना है, जरूरी लाइसेंस लेने हैं, ये हर चीज़ एक सिस्टम से चलता है। आपको उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी मैं आपको बता दूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इज फार मोर ट्रांसपेरेंट, फार मोर बेटर देन दैट ऑफ अवर डोमेस्टिक बिजनेस। प्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? बेसिकली प्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों केस में, जैसे कोई बंदा इंपोर्ट कर रहा है तो एग्जैक्टली एक बंदा एक्सपोर्ट भी कर रहा होता है, इट इज जस्ट चेंज ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहिए तो तीन बेसिक डॉक्यूमेंट है आपके पास, पैकिंग लिस्ट, इनवॉइस और जो है वो BL जो बनती है, बिल ऑफ लेडिंग। ये तीन डॉक्यूमेंट बना के आप अपने एक्सपोर्टर को दे देंगे, वो वहाँ पे इंपोर्ट कर लेगा। दिस इज द थ्री कोर बेसिक डॉक्यूमेंट विच वन शुड हैव, जिसमें पैकिंग लिस्ट, इनवॉइस वगैरह तो आप बना लेंगे, BL जो है वो आपके शिपिंग लाइन के साथ विद रेफरेंस टू योर एजेंट आपको करना रहता है। मैं अगर बोलूँ तो ये थोड़ा सा पेचीदा है, बट ये डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको एक दो बार करेंगे तो ये सिस्टम में आ जाता है। मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगा आपसे। दूसरा है कि पोस्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है? अब पोस्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये होता है कि एक्सपोर्ट मतलब पोर्ट से बाहर एक बार आपका माल निकल गया, उसके बाद आपको जो करना रहता है वो आप यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका पैकिंग लिस्ट, इनवॉइस एंड BL आपके सब जो बायर है उसके पास पहुँचे। आपने जो चीज़ एक्सपोर्ट करी है
उसके ऊपर मेजोरिटी ऑफ टाइम गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव रहते हैं, तो आप वो इंसेंटिव के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। ये होता है पोस्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। कभी कभी आपको एक्सपोर्ट LC के थ्रू भी वर्क करना पड़ता है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट द LC इज बीन प्रॉपरली ओपन एंड एग्जीक्यूटेड। और सबसे लास्ट, जब आपका एक्सपोर्ट पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाए, तो आपको वो जो शिपिंग बिल होता है वो आपको बैंक को शेयर करना पड़ता है, सो दैट ये एक RBI का कंप्लायंस है और वो कंप्लायंस भी आपको क्लोज करना पड़ता है इन 6 मंथ। मेरा एक और सवाल है कि FOB क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ इनको टर्म्स विच इज बीन यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री। जैसे CIF होता है, FOB होता है, एक्सवर्क्स होता है। ये बहुत ही बेसिक टर्म है और फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। FOB means free on board, मतलब कि जो भी एक्सपोर्टर है वो अपने इम्पोर्टर के लिए एक्सपोर्टिंग कंट्री के पोर्ट तक मटेरियल ला के उसको वेसल तक चढ़ा दे, उसको बोलते हैं FOB। इनको टर्म्स के लिए एक पूरा सेशन ले ले 1 घंटे का, तो भी कम पड़े, इतना डीप मीनिंग है। अच्छा, यानी कि प्राइस लिस्ट कैसे आदमी तैयार करे, इसके साथ साथ कस्टमर कैसे लाए, ये सारी चीजों का क्या प्रोसीजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है या फिर इसके लिए कोई और रिसोर्सेज होते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट थिंग। मतलब अगर आप बोले प्री इंपोर्ट और प्री एक्सपोर्ट में व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होने चाहिए, जैसे कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस, हाउ टू फाइंड बायर और सेलर, हाउ टू अप्रोच देम, उनको मेल कैसे करना है, उनके लिए कॉस्टिंग कैसे डिराइव करनी है, ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करनी है, तो इट इज ये वन ऑफ द सेगमेंट में आता है। ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना लोग समझते हैं। डिफिकल्ट है क्यों? डिफरेंट कल्चर, हम लोग दूसरे कल्चर के लोगों के साथ डील करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट ज्योग्राफी। आपको ये स्ट्रीम में बस जुड़ना है। इस चीज में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ बीइंग एन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर। आई कैन अश्योर यू दैट विद इन 30 डेज यू विल बी इन अ पोजीशन टू सेंड योर फर्स्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जानने के लिए आगे आप हमारे साथ बने रहिए, और इस वीडियो के लिंक में मैं आज के अतिथि सूरज शाह जी का कॉन्टेक्ट डिटेल डाला हूँ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, और मुझे और मेरे टीम को इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।